आप लोगों के मन में अक्सर एक सवाल आता होगा कि ईश्वर को कैसे पाया जाए, उसे कैसे पकड़ा जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईश्वर को पकड़ने के 3 सिद्धांत। आप केवल इन 3 सिद्धांतों पर चलें, फिर आप देखेंगे कि आपका मार्ग और सरल होता चला जाएगा। भगवान कृष्ण भगवत गीता में भक्ति के मार्ग को सबसे उच्चतम मार्ग बताते हैं और एक भक्त के लिए ये मार्ग सबसे सरल मार्ग है। आप इसे ऐसे समझें, एक महान कवि रहे सूरदास, तो जब सूरदास जी को किसी स्त्री के प्रति मोह हुआ तब उनका जो हृदय था वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा और उस पश्चाताप में उनके भीतर इतनी स्ट्रांग रिएक्शन आई, जिस हृदय में सदैव परमात्मा का प्रेम रहना चाहिए उस हृदय में जगत के प्रति मोह कैसे उत्पन्न हुआ। यह बात सोच करके सूरदास जी का हृदय इतना दुखी रहने लगा तो उन्होंने सोचा कि उन्हें वह अपनी आंखें ही फोड़ दें, और फिर सूरदास जी ने अपनी आंखों को ही नष्ट कर दिया। तो जब सूरदास जी की देखने की शक्ति चली गई तो वह दर दर की ठोकरें खाने लगे। एक बार सूरदास जी जंगल से कहीं गुजर रहे थे जहां उन्हें कोई सहारा मिलने वाला नहीं था, उन्हें रास्ता दिख नहीं रहा था, वह इधर उधर भटक रहे थे। तब भगवान ने देखा कि ये मेरा ही भक्त है और इसने मेरे लिए ही अपनी ये दशा कर ली है, मुझे निश्चित रूप से उसकी मदद करनी होगी। भगवान कृष्ण ने क्या किया कि वह एक बाल रूप लेकर सूरदास जी के पास आ गए और बोले, बाबा तुम कहाँ जा रहे हो, चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और उन्होंने सूरदास जी की लाठी जो थी उसे पकड़कर आगे चलने लगे। अब देखो, एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ भक्त। अगर भक्त का हृदय संवेदनशील है और भगवान पास आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त को एहसास ना हो भगवान के होने का। उस बालक का वहां होना, उनका बोलने का ढंग, उनकी मधुरता, उनके व्यक्तित्व की दिव्यता, सूरदास जी को यह सब कहीं ना कहीं महसूस होने लगा कि कहीं मेरे श्याम सुंदरी तो नहीं बाल रूप में मेरे निकट आ गए। तो उन्होंने बहुत सारी बातों में बालक को उलझाने का प्रयास किया, सोचा बालक है मेरी बातों में उलझ जाएंगे। और धीरे धीरे करके वह लाठी के दूसरे छोर तक आ गए, जिस लाठी के छोर को भगवान ने पकड़ रखा था, और जा करके उन्होंने भगवान की कलाई तेजी से पकड़ ली। सूरदास जी को लगा कि इस तरह से वो भगवान को पकड़ लेंगे, वह उन्हें जाने नहीं देंगे और इससे उन्हें भगवत्ता प्राप्त हो जाएगी। परंतु भगवान ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और दूर जाकर खड़े हो गए और बोले, बाबा जी मैं जा रहा हूँ, मैं अब आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। तब सूरदास जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा, हाथ छुड़ाए के जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे सबल बखानो तोय। मैं निर्बल हूँ, बूढ़ा हूँ, अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके हाथ का विरोध कर सकूं, या मैंने आपको पकड़ने की कोशिश की, आपने मेरा हाथ छुड़ा लिया, लेकिन जिस दिन तुम मेरे हृदय से जाओगे भगवान, तब मैं समझूंगा कि तुम सच में सामर्थ्यमान हो, शक्तिमान हो। अब देखो, ये अहंकार नहीं बल्कि एक भक्त की भक्ति है, उसका विश्वास है, जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के सदैव सुमिरन में रहता है, उनके कीर्तन में रहता है। ऐसा भक्त सदैव भगवान को अपने हृदय में स्थान देता है। उस भक्त के हृदय में विश्वास अपने आप पैदा हो जाता है कि परमात्मा उससे दूर कभी जा ही नहीं सकता। अगर आप परमात्मा को चारों तरफ देखोगे, हर एक वस्तु में देखोगे, कण कण में देखोगे, तो परमात्मा भी आपको चारों तरफ से देखेगा। अब इस कथा में कितनी सच्चाई है मैं कह नहीं सकता, लेकिन भक्त और भगवान की यह कथा ये बताती है कि अगर भक्ति सच्ची हो और एक ऐसा भक्त जो भगवान के प्रति सदैव उनके प्रेम में डूबा रहता है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान स्वयं किसी का रूप लेकर आपके समक्ष आ जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अगर आप सच्चे हैं और ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, तब ऐसे में आपके बुरे वक्त में आपको ईश्वर की जरूरत पड़ने पर किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको सहायता मिल ही जाती है। अब जो व्यक्ति आपकी सहायता करता है, उस समय उसके भीतर जो ख्याल आता है आपकी सहायता करने का, वो ख्याल ईश्वरीय तत्व होता है। एक भक्त की मदद करने की भावना ईश्वर ही उसके मन में डालता है। इसलिए कहते हैं, कभी कभी स्वयं ईश्वर आपकी मदद करने आ ही जाता है। जब ईश्वर की इच्छा होती है तो वो किसी भी माध्यम से आपकी सहायता करता है।
अब देखो यहाँ पर परमात्मा को पाने के तीन सिद्धांत बताए हैं। तीनों सिद्धांतों को जरा ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अप्लाई जरूर करना। पहला सिद्धांत है कि परमात्मा को कभी भी कपट पूर्वक नहीं पाया जा सकता। अगर कपट के साथ भगवान को फंसाया जा सकता तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को अपना वैभव दिखा के फंसा सकता था। हम सब लोग जानते हैं कि दुर्योधन को भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, जबकि दुर्योधन तो भगवान से भी राजनीति खेल रहा था, कपट कर रहा था। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत धन है, इस दुनिया में आपका एक विशेष स्थान है, लोग आपकी वाह वाह करते हैं, तो आपका ये वैभव, ये स्थान, ये रुपया पैसा, ये अहंकार ईश्वर के सामने कुछ नहीं है। आप ये सोचें कि इस भौतिक जगत में मेरा एक विशेष स्थान है तो उस ईश्वर की नजरों में भी मेरा एक विशेष स्थान होगा? नहीं। तो आपको अपने धन का अभिमान, शरीर का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, किसी भी तरह का कपट छल करके आप ईश्वर को नहीं पा सकते। तो अगर ईश्वर को पाना है तो इसके लिए तीन शर्तें हैं। पहली शर्त, भगवान को शिद्दत से चाहो मगर बेसब्री से नहीं। देखिए, भगवत प्राप्ति में समय तो लगता है, अभी तो किसी भी चीज को पाने में समय लगता ही है। भगवान को पाने के लिए धैर्य पूर्वक साधना करनी होती है। ईश्वर को पाने का दूसरा सिद्धांत है, अगर आपको परमात्मा को पकड़ना ही है तो अपनी बुद्धि के अहंकार से मत पकड़ो, अपने ज्ञान के अहंकार से मत पकड़ो, अपनी शक्ति, अपने वैभव के अहंकार से मत पकड़ो। परमात्मा को तो निष्काम प्रेम से ही पाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान होकर परमात्मा को पाने चलेगा तो वो खाली हाथ लौटेगा, वहां तो एक अज्ञानी ही पहुंच पाता है। ज्ञान पाने के लिए तो पहले अपना पात्र खाली करना होता है, अज्ञानी होना पड़ता है। आपकी बुद्धि कितनी ही तेज क्यों ना हो, इसे आप उस ईश्वर को नहीं पकड़ सकते। और तीसरा सिद्धांत, ईश्वर के साथ में आपका जो भी संबंध है, जो भी रिलेशनशिप है, उसे पब्लिकली मत रखो। कीप योर रिलेशनशिप विद योर गॉड हाईली सीक्रेट। इसका अर्थ है जो आपके आध्यात्मिक अनुभव हैं, दे आर नॉट टू बी डिस्कस पब्लिकली। तो जब भी कोई साधक मंत्र योग या ध्यान योग के रास्ते पर चलता है और आप निरंतर अभ्यास करते हैं, तब निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक अनुभव होंगे। उन सभी आध्यात्मिक अनुभवों को परमात्मा को ही अर्पित कर देना और बस भूल जाना। उन सभी अनुभवों की संसार में चर्चा मत करना, नहीं तो वो अनुभव दोबारा आपको कभी नहीं होंगे। इन सबसे आपके आध्यात्मिक मार्ग पर बाधा उत्पन्न होगी। तो अगर जो आप भगवान को पाना चाहते हैं तो पहले आपको बेसिक तैयारी करनी होगी। बेसिकली यह मार्ग भक्ति योग का मार्ग है। और अगर जो महिलाएं मेरी वीडियो देखती हैं तो उनके लिए भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। परंतु भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए पहले आपको भक्ति को समझना होगा। भक्ति क्या है, आप इसे समझने का प्रयास करें। और अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।